एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी है पीएम पद के दावेदार। क्या अखिलेश यादव की नज़र भी पीएम की कुर्सी पर है? आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बनने वाला संभावित महागठबंधन भले ही अभी तक नहीं बन पाया हो, लेकिन पीएम पद की दावेदारी को लेकर विपक्षी दल के नेताओं में अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ था। हालांकि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव अब तक खुद को इस रेस से अलग रखे हुए थे, लेकिन जिस तरह से एसपी के भीतर से उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है, उसके बाद अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग की है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर एसपी की साइकिल यात्रा के समापन समारोह के दौरान पार्टी के एक नेता ने भाषण के दौरान कहा कि अखिलेश यादव को देश की सबसे ऊंची सीट यानी पीएम पद पर होना चाहिए, ये देश की जरूरत है। एसपी नेता ने अखिलेश यादव को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार करार दिया। खास बात यह है कि एसपी नेता ने ये टिप्पणी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की मौजूदगी में की। हालांकि अखिलेश को लेकर की गई इस टिप्पणी के बाद एसपी नेता को तुरंत अपना भाषण खत्म करने के लिए कह दिया गया। वहीं एक अन्य पार्टी नेता ने मामले में सफाई देते हुए समझाया कि ऐसे वक्त में ये टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है, जब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विरोधी गठबंधन को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव इससे पहले ये कह चुके हैं कि उनकी इच्छा प्रधानमंत्री बनने की नहीं है और वो फिर से यूपी का सीएम बनना पसंद करेंगे ताकि अधूरे कामों को पूरा किया जा सके। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था कि देश का अगला पीएम उत्तर प्रदेश से ही होगा। लेकिन अखिलेश को लेकर एसपी नेता के बयान से सियासी गलियारों में अटकलों का दौर जरूर शुरू हो गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।